हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह की क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह की एडिटिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कलर बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्रॉप पे जाना है और इसे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट साइज से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद अब नीचे की तरफ आना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे आने के बाद सोशल मीडिया आइकन्स के पीएनजी को ऐड कर लेना है। पीएनजी ऐड होने के बाद इसे जूम कर लेना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है सेंटर में। उसके बाद इसके एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, इसके सेचुरेशन को बढ़ाना है और हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेना है और इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद इसकी शेडो पे आना है और इसके कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेना है और एडजस्टमेंट को जीरो पे सेलेक्ट कर लेना है और इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद फिर से आना है ऐड फोटो पे और अब यहाँ से अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। फोटो ऐड होने के बाद इसे जूम कर लेना है और नीचे की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसे एडजस्ट करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद फिर से आना है ऐड फोटो पे और यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट के फ्रेम को ऐड कर लेना है। ऐड होने के बाद इसे जूम करके फोटो पर कुछ इतना रखते हुए एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद ऐड फोटो पे आना है और अब इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीन शॉट को ऐड करना है और क्रॉप पे जाना है। अब इसमें से नीचे वाले पार्ट को क्रॉप कर लेना है, नीचे वाले इतने पार्ट को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे कर देना है डन। डन करने के बाद इसे जूम कर लेना है और नीचे वाले पार्ट पर एडजस्ट करना है और इसकी ब्लेंडिंग पे जाना है और ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई कर लेना है और इसे परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है नीचे वाले पार्ट पर। अब यहीं पर से साइड में क्लिक करना है, फिर से ऐड फोटो पे चलना है और फिर से पोस्ट के स्क्रीन शॉट को ऐड करना है। अब क्रॉप पे जाके अपने ऊपर की तरफ अकाउंट के नेम को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद इसे भी जूम करके ऊपर की साइड एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब आना है फिर से ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे आने के बाद यहाँ से लाइस के दो पीएनजी को ऐड करना है। पीएनजी ऐड होने के बाद पहले वाले इस पीएनजी को सेलेक्ट करना है और इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है, इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद अब सेकंड पीएनजी को सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे छोटा करके लेफ्ट साइड फ्रेम में ऊपर की तरफ रखते हुए एडजस्ट कर लेना है और इसे कर लेना है यहाँ से डुप्लीकेट और अब राइट साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसे एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद इसे कर लेना है डन। डन करने के बाद फिर से ऐड फोटो पे जाना है और यहाँ से एक और पीएनजी को ऐड करना है। पीएनजी ऐड होने के बाद इसे जूम कर लेना है कुछ इस तरह से परफेक्टली और जूम होने के बाद इसे भी कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद ऊपर की तरफ आना है इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ से अपेक्स पे ही आना है और अपेक्स पे सबसे लास्ट में आना है विग्नेट वाले पे। इस इफेक्ट को सेलेक्ट करना है, इसके एडजस्टमेंट पे चलना है और साइज को 100 कर देना है और फेड को 80 के आसपास रख लेना है और इसे कर देना है मर्ज। मर्ज करने के बाद इसी में अब शार्पन वाला इफेक्ट है, इसे सेलेक्ट करना है और इसके फेड को 65 तक रख लेना है और इसे भी मर्ज कर लेना है। अब सिंपल पे आना है और यहाँ से डोजर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है, इसके भी फेड को 65 तक रख लेना है और इसे यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ पर हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।